गुड मॉर्निंग आलक्ष। आज हम लोग केवल आंकिक प्रश्न के बारे में ही देखेंगे, जिसमें से आपका बिमीय सूत्र से कुछ आंकिक प्रश्न, सार्थक अंक से कुछ आंकिक प्रश्न और एक पद्धति को दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाता है उसको देखेंगे, है ना। जैसे कि MKS को CGS में बदलेंगे तो क्या होगा, और CGS को MKS पद्धति में बदलेंगे तो क्या होता है ना। तो सबसे पहले सार्थक अंक के बारे में देखते हैं। जैसे आपका ऐसा क्वेश्चन दे दिया रहता है, दो तीन आपको ज्ञात करना रहता है कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 0.006, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें पूछेगा कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो 0.006 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक, है ना। 3.64 इंटू 10^24 में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, पता है कि दशमलव के पहले संख्या है तो उसको गिनेंगे, इसलिए 3 होगा। इसमें दशमलव के पहले 0 था इसलिए नहीं गिनते हैं, है ना। उसके बाद 0.2374 है तो पॉइंट के पहले 0 इसको नहीं गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, है ना। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4। उसके बाद 6.450 है तो इसमें क्या दाईं ओर 0 है इसीलिए इसको गिनेंगे, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4। इसमें क्या हो जाएगा कि पॉइंट से पहले 0 है ना, तो यहाँ पे देखो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 1, 2, 3, 4, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4, है ना। तो 2, 3, 4, 5, 0, 0, तो इसमें सबको गिनेंगे कि नहीं ये आपको ध्यान देना है, है ना। तो आप इसमें कितना हो जाएगा, आपको पता है कि इसमें दशमलव नहीं है और बाद में 0 है, मतलब कि इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2, 3, 4, 5 इंटू 10^2, तो इसको सार्थक अंक नहीं गिनते, हमको पता है ना, इसीलिए सार्थक अंक नहीं होंगे। तो कितना हो जाएगा, 4। इसमें देखो दशमलव है, दशमलव के बाद 3 है, तो सबको गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसको गिनना नहीं है। 320 है किलोग्राम में है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार आपका सार्थक अंक आपको क्लियर होगा। आप लोग सार्थक अंक निकालना सीखे भी थे तो सबका क्या होता है, सार्थक अंक डिफरेंट होता है। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे एक पद्धति को दूसरे पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक। एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलने के तरीके हैं, जिसमें पहले देखेंगे MKS को CGS में कैसे चेंज करेंगे, है ना, और दूसरे में देखेंगे CGS को MKS में कैसे बदला जाता है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन इस प्रकार है, है ना। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, बीमीय समीकरण की सहायता से इसका मान किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। किसमें दिया है ध्यान देंगे, मीटर में दिया है, किलोमीटर में निकालना है। तो आप लोग को ट्रिक एक जो है ना, मीटर में दिया है ना, इसको निकालना किस में है, किलोमीटर में प्रति घंटा, है ना। अब देखो इसको किस में बदलना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि CGS को MKS में बदलेंगे कि MKS को CGS में बदलेंगे। तो इसमें क्या है, आप लोग का नहीं दिया है कि MKS को CGS में बदले या तो CGS को MKS में, लेकिन ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे ध्वनि का जो वेग है वो क्या है आपका, मीटर प्रति सेकंड है, मतलब कि MKS में दिया है, बताया था MKS में M को मीटर, है ना, K को क्या होता है, किलोग्राम होता है, और S का क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसको जैसे ही हम लोग हल करेंगे तो इसको लिखने का तरीका ध्यान देंगे आप लोग, है ना। सबसे पहले चाल या वेग का क्या निकालोगे, विमीय सूत्र। सबसे पहले क्या निकालोगे, उसका विमीय सूत्र। उसका विमीय सूत्र आपको पता है क्या होता है, m0lt-1। यहाँ तक किसी भी प्रकार का किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। इतना निकालने के बाद सेकंड जो स्टेप आता है वो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बताया था ये a है ना, ये b और ये c होता है, मतलब यहाँ पे a बराबर 0, है ना, कुछ नहीं है, तो a का घात 0। lb है ना, lb का होगा जिसका मान कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मान क्या हो जाएगा, -1। यहाँ से आप लोग abc भी निकाल लिए। उसके बाद ध्यान देंगे हर एक क्वेश्चन में आप लोग को क्या निकालना है, एक बार m1/m2 निकालना है, है ना, एक बार क्या निकालेंगे, l1/l2 निकालना है, और एक बार क्या निकालेंगे, t1/t2। तीन चीज़ निकालना है हर एक क्वेश्चन में। तो अब ध्यान देंगे m1 m2 क्या होता है, मेरे को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, मतलब एक को दूसरे में बदलना। तो पहला वाला क्या होगा,
जो दिया है उसको लिखेंगे, और M2 क्या होगा जिसमें बदलने हैं उसमें, है ना। जैसे यहाँ पे मैं M1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम। M मास होता है ना, इसमें किलोग्राम के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, ये भी इसीलिए क्या हो जाएगा किलोग्राम। और एक किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें नहीं दिया है तो दोनों को एक लेंगे, क्योंकि M का जिक्र नहीं हुआ है, केवल मीटर और सेकेंड का हुआ, मीटर मतलब लेंथ का हुआ है। अब देखो L1 L2, L1 क्या हो जाएगा मीटर होगा, क्यों मीटर होगा, क्योंकि मेरे को मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, किलोमीटर हो गया। जिसको बदलना है नीचे लिख लो, जो दिया है ऊपर लिख लो, ये नहीं दिया इसीलिए दोनों को एक एक लेना है, जो नहीं दिया रहेगा एक एक लेंगे, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद जैसे ये मीटर हुआ, ये आपका किलोमीटर हो गया। अब देखो मीटर वाला सेम रहेगा, क्योंकि मेरे को मीटर जो आप लोग क्या है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो जैसे किलोमीटर क्या होता है जी, आपका एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 1/1000। किलोमीटर को किस में बदल देना है, मीटर में, है ना। उसके बाद ये भी सेकेंड है, नीचे वाला भी क्या है आपका घंटा में दिया है, तो सेकेंड का तो सेकेंड ही रहता है, आपको पता है घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60 सेकेंड होगा, है ना। तो ये 1/1 क्या हो जाएगा आपका 3600। यहाँ तक आप लोग का बनना चाहिए, जैसे ही यहाँ तक बनेगा एक सूत्र होता है ना, उस सूत्र को याद रखेंगे हर एक क्वेश्चन में, क्या होता है N2 बराबर क्या हो जाएगा N1 बड़ा कोष्टक M1 M2 का घात A गुणा L1 L2 का घात B गुणा T1 T2 का घात C, है ना। N2 बराबर N1, M1 by M2 का घात A, L1 by L2 का घात B और T1 by T2 का घात C। ये हर एक क्वेश्चन में सूत्र आप लोग को लगाना है। N2 क्या है आप लोग का निकालना है, N1 क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहने पर मैक्सिमम पानी का जैसे पूछेगा तो अलग अलग के लिए लेंगे, पानी का घनत्व एक होता है ना, तो वहाँ पे N1 एक लेंगे। लेकिन इस प्रश्न में दिया है कि वायु का ध्वनि में जो वेग है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब कि यहाँ पे ना आपका क्या दिया है, N1 का मान दिया है, N1 का मान कितना दिया है 332, तो N2 बराबर हो जाएगा 332। M1 बाई M2 अभी निकाले हैं, कितना मिला 1/1000, A का मान कितना है 0, सॉरी M1 बाई M2 का मान क्या है जी 1/1 है, है ना। L1 बाई L2 का मान 1/1000, B का मान क्या है 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1/3600, इसका मान क्या है -1, तो ये हो जाएगा 332। किसी का घात 0 मतलब उसका मान क्या होता है 1, 1000 ऊपर जाएगा तो 10 का घात -3, 3600 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका, 3600 को ऊपर लेके जाएंगे तो 3600 को तो हम लोग डायरेक्टली ऊपर लेके नहीं जा सकते, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वर्स में दिया हूँ तो उल्टा लिख सकता हूँ, 3600 ऊपर चला गया, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3600, क्योंकि 1/x बराबर x का घात -1, तो x का घात ये सूत्र होता है जानते हैं, x का घात -1 बराबर 1/x, 1/x को क्या लिख सकता हूँ x का घात -1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ उल्टा, क्या समझ में आया ना, क्योंकि पूरे 1/1 पूरा हो जाएगा, 3600 ऊपर गया। अब देखो तो 2 जीरो इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो मेरा कितना बचेगा 332 गुणा ऊपर में क्या हो जाएगा 36, और ये वाला आपका कितना 2 कटा तो 10 का घात -1 हो जाएगा। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 332 गुणा 36/10, इसको आप काट के देखेंगे, है ना, इसको काटेंगे ऊपर ऊपर का गुणा और 10 का, इसके आंसर आएगा 1195.25 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किए थे इसीलिए, है ना। तो जितना भी क्वेश्चन है जहाँ एक पद्धति को दूसरे में बदलना है, पहले उसका क्वेश्चन का विमीय सूत्र है, एबीसी का मान M1 M2 L1 L2 T1 T2 निकालना है, निकालने के बाद सूत्र में रख देना है, सूत्र में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर मिलेंगे, जिसको आप लोग को होमवर्क से आपको बनाना है ना। इसी प्रकार और एक क्वेश्चन है कि जैसे पानी का घनत्व है ना, पानी का घनत्व का आपको क्या करूँगा मैं, एग्जांपल आपको दे दिया रहूँगा, आपको बनाना है।
ये याद रखेंगे आप लोगों के किस में किसको किस में बदलना है, फिर बनेगा क्वेश्चन। ऐसे तीन या चार क्वेश्चन अभी आप लोग के पास भेजा जाएगा, आप लोग को आज शाम तक बनाना है, जो भी डाउट होगा आप लोग को क्लियर कर लेना है ना। कम से कम कल 12 बजे तक आप लोग क्लियर कर लो। कल आप लोग का 2 बजे से एग्ज़ाम होगा, 2 से 3 है ना, याद रखेंगे 2 से 3 कल फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग को क्या करना है, डाउट भी क्लियर कर लेना है, और यहीं तक क्वेश्चन आएगा आप लोग का है ना। 1 पॉइंट ये क्या, आपका मापन में त्रुटि सार्थक अंग और विमाय तक। फिर हम लोग अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग सरल रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।